नमस्कार दोस्तों, एशियन गेम्स में नेपाल ने एक बार फिर आज कमाल कर दिया, क्योंकि आज था नेपाल वर्सेस मालदीव के बीच में T20 क्रिकेट मुकाबला, जिसमें नेपाल ने फिर से एक बड़ी जीत हासिल की। और पिछले रिकॉर्ड्स तो हर किसी को याद होंगे, कुछ वैसा ही नजारा आज भी ग्राउंड पर देखने को मिला। लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नेपाली प्लेयर्स ने इस मुकाबले को भी जीता। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 212 रन बनाए, 7 विकेट खोकर 20 ओवर में और एक बड़ा स्कोर टारगेट खड़ा कर दिया, जिसमें कुशल भुरतेल ने 35 रन बनाए, गुलशन झा ने 35 रन दिए, कप्तान रोहित पौडेल ने हाफ सेंचुरी बनाते हुए 52 रन बनाए, कुशल मल्ला ने 47 रन बनाए और बाकी सभी प्लेयर्स का थोड़ा योगदान रहा। जीत के लिए मालदीव को बनाए थे 213 रन 20 ओवर में, लेकिन नेपाल के गेंदबाजों ने मालदीव को टिकने नहीं दिया। नेपाल के बॉलर्स ने मालदीव को 74 रन पे ऑल आउट कर दिया 19.4 ओवर में, और ये 138 रन के मार्जिन की विन थी, जो कि काफी बड़ी थी। आपको बता दें कि सोमपाल कामी ने एक विकेट लिया, वहीं अविनाश बोरा ने आज कमाल ही कर दिया, उन्होंने 6-6 विकेट चटकाए। वहीं संदीप लालचानी ने एक विकेट चटकाया, कुशल भुरतेल ने एक विकेट चटकाया और गुलशन झा ने भी एक विकेट चटकाया, और इस मुकाबले को बड़ी आसानी से नेपाल ने जीत लिया और एशियन गेम्स में एक बार फिर से कमाल कर दिया। लगातार नेपाल की हिट पे हिट जीत लोगों को बहुत पसंद आ रही है, साथ ही साथ नेपाल के क्रिकेट फैन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नेपाल ने रिकॉर्ड्स बनाए, उससे नेपाल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। आपको क्या लगता है इन मैच पे और नेपाल की परफॉर्मेंस पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी लगी, जरूर चीयर अप करिएगा उस प्लेयर के लिए, साथ ही नेपाली टीम के लिए।